आवाज में आवाज मिलाते ही रहे हम, आता ही रहा गोश्त पकाते ही रहे हम। मंडी मवेशी आ गए बाकायदगी के साथ, वहां जाके भी टिकटॉक बनाते ही रहे हम। गुरबा में गोश्त बांटना है बहुत जरूरी, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड खैर मुबारक। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज तो ऑनलाइन बकरे जबा करने वाले किसाई लग रहे जी। ऑनलाइन कैसे बकरे जबा होते हैं? कंप्यूटर तो बटन न पिया, बकरे की गर्दन जाका लूजा। यह जो किसाई ना बकरे ने छुरी फेर के खल मालक भी ला देने। मैं वैसे बन मैं यार कोई ऐसा कसाई दसो जरा बकरे की जुबान जानता हो, कहते टारजन को करवा लो फिर। एक दफा कहीं बकरा दफा करने गया तो वहां पता चला ऊंट है। उसे कहने लगे भाई छुरी मेरे पास है, सीढ़ी ले आओ। उन्हें कहा सीढ़ी क्या करनी है? कहना मैंने इसके पास जाके कान में इसे जबा करने की इजाजत मांगनी है। मुझे किसाई बकरे ने जिबा करके मालकन कहन डे होंगे पट्ठे मैनू दे दो ताडे किस काम दे। अकरम भाई ने कुर्बानी की तो कसाई को मुड्डी नहीं सीगी, इन्हों के सिर से सारा गोश रख के छोटा किया। ईद वाले दिन मैं नहीं वेला रहा कभी किसी घर कभी। वासे भाई इन्होंने इस तरह बातें करते रहना है तो लिहाजा आप मेहमानों को बुला लें। लीजिए भाई बुलाते अपने आज के मेहमानों को, एक ऐसा कपल जो कि बहुत ही पसंदीदा है आप लोगों का, दोनों हैं एक्टर्स और खानदान भी उनका उतना ही टैलेंटेड है। आप सबकी तालियों में जनाब असद सदीकी और जारा नूर अब्बास सदीकी। शो जी बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मुबारक जी। और आप दोनों के लिए मैं एक शेर लाया हूं जी। एक दूजे से बढ़कर अपने फन में दोनों हैं। वाह वाह वाह। एक दूजे से बढ़कर अपने फन में दोनों हैं, ख्वाब दोनों के यकसां और पसंद भी यकसां है। ऐसे जोड़े शोबिज में अब नजर नहीं आते, ऐसे जोड़े शोबिज में अब नजर नहीं आते, जिनके फैंस की गिनती गिनो तो वो भी यकसा है। यकसा है, क्या बात है, क्या बात है। हरदम हसदा गांदा रहिंदा, हरदम हसदा गांदा रहिंदा, तैयार फटीका पांदा रहिंदा, ते बिना मतलब दे गल नहीं करदा, कल्ला ईद मनांदा रहिंदा। कहती मैं किसी और की हूं, नजरें झुका कर देखो, वो मुझसे कितना प्यार करता है उसके दिल में जाके देखो। मैंने कहा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की बातें अपनी अम्मी को बता कर देखो। क्या हालचाल है आप लोगों के? जबरदस्त, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग चल रही है दबा के? बस फिलहाल कोरोना की वजह से कुछ चीजें बंद हो गई, रुक गए काम, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह एसओपीज इतने अच्छे हैं तो आई थिंक सब इसी तरह अगर कंटिन्यू करें तो वो फिर हो सकता है। कोरोना ने दिमाग उल्ट करते, देखो उन्होंने बाल खुले छड़े, उन्होंने पोनी की थी। अबे ये फैशन है यार, तुम्हें नहीं पता। भैन ने जान के की थी, जो घर जान लगते ना बाहर असद भाई पिछो फड़ के बह जाते। नहीं भैन साड़ी जी मोटरसाइकिल चलाते पिछे इंज फड़ के बैठे। पोनी का तुमने बड़ा गर्व कर दिया पकड़ के। पोनी खोल दिया लेकिन वो कसाई बकरा समय के लड़का यार। जो मैं खास लेकर आया था पिछली बार, मैं छोटी पैंट पहन के आया था आज ये। नहीं मगर ये असर कहीं नहीं दिखा के जब आप आए तो आपने खास एक कोई हरकत करनी है अपने साथ, उसके बगैरा भी हम आपकी शक्ल के साथ भी काम चला सकते हैं। मतलब आपने इनको बताया नहीं है कि लाहौर जब आते हैं तो उसके वक्त तो आपको कोई जरूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ हम ढूंढ ही रहते हैं। नहीं ये इस तरह कहते हैं, मैं जानबूझ के मैं चाहता हूँ कि लाहौरी और कराचियों का आपस में कुछ नहीं। आपका सिस्टम वैसे सेट है,
कि मुश्किल मतलब पौनी की तीर बढ़ चढ़ाई उन्होंने कैचर लाया इन्हों से गिली टाकी मारी आ गए यार इतनी बार का इस तरह का ना किया करो मजाक तुम्हें पता नहीं आप लोग कितना माइंड करते हैं इस किस्म के जोक्स को आई एम सॉरी ब्रो प्लीज कह भी तुम पे कोई हैशटैग निकल जाना फिर तुम सर पकड़ के बैठे हो आप मुझे भी तो समझा दें हाँ आप बताइए इनको देखिए कितनी ये इनसेंसिटिव बात की है इन्होंने नहीं वो तो आपस में कलीग्स है मजाक करें लेकिन ले ये देखिए आप इतना कलीग्स आपस में मजाक करते हैं और क्या क्या निकल आता है सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें ये कलीग्स नहीं है शरीक है मेरा आपके शरीक है तो वो तो आपस में मजाक कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है वास्ते अब कोई छोटी सी भी चीज हो तो वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी के हिसाब से ली जाती है कोई दो दोस्त आपस में मजाक भी कर सकते हैं लेकिन आई थिंक इतना दोस्तों के मजाक को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए आपको लगता है वैसे ज़ारा आप तो काफी एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी कि लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटाइज हो चुके हुए हैं और बिल्कुल ही मतलब इसे कहते हैं छुई मुई वाला काम हो चुका हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अदाकार और जो आर्टिस्ट हैं आप लोग का सबका दिल बहुत बड़ा है जहां भी जाएं देखें तो हमेशा आर्टिस्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द मीडिया हमारे मुल्क में मीडिया चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द आर्टिस्ट वो है क्योंकि आर्टिस्ट कभी दोबारा मुड़ के जवाब नहीं देता मतलब एक मुझे नहीं हमारा आर्टिस्ट बहुत बड़े दिल का है एमी सोशल मीडिया के ऊपर बात का पतंगड़ ना बना दिया करें इतना आसान नहीं होता कॉमेडी करना या फिर सैटायर करना भी तो एक बेसिक आपकी एक तमीज का दायरा होता है वो आपने अपने घर से ही खींचा होता है बिल्कुल अगर आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है उसके बाद ना अभी हर चीज के ऊपर सिर्फ एक ट्रेंड शुरू करना है और इसको भी आपने डाल देना है कि जी ये भी आपने एक इनसेंसिटिव बात की है फला भी आपने की है तो भाई क्या करें नहीं लेकिन अगर सारी इनसेंसिटिव बातें हम करें तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं ट्रोल्स करते हैं उनकी जो जो इनसेंसिटिव बातें होती हैं हमारे अम्मी अब्बू हमारे खानदान हमारी शादी का रिश्ता हमारा आपस हर चीज पर उनका कमेंट है मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मेरा इसमें अपना एक बड़ा टेक है वो जिसे कहते हैं ना डोंट पे सो मच हीट टू इट विच इज ऑल्सो आई फील समथिंग दैट माय कोलीग्स एंड पीपल फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड नीड टू लर्न यस स्टॉप क्रेविंग फॉर दैट अटेंशन एब्सोल्युटली बिकॉज योर बॉडी ऑफ वर्क हैज टू बी बिगर देन जस्ट एन ऐप अगर टोटल तारुफ ही आपका सिर्फ एक ऐप बन चुकी हुई है कल को वो खुदा ना खास्ता इंस्टाग्राम या ट्विटर क्रैश कर गया यानी कि आप तो फारिग हो गए बिल्कुल सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ बुशरा अंसारी साहिबा अगर बुशरा अंसारी हैं तो वो तस्वीरें लगा के बुशरा अंसारी नहीं बनी इंस्टाग्राम पर ना वो ट्वीट करके बनी है वो काम करके बनी है जो कि उनका काम इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक से बहुत ज्यादा बड़ा है आजकल चल रहा था अभी इतने की इतना बकवास किस्म का है कि मर्द है और वो औरत बना रही है औरत बन के तस्वीर जी जी बिल्कुल क्या बकवास बड़ी अजीब चीजें लगती है जब मर्द कोई औरत बने या कोई पौनी कर ले बड़ी अजीब चीजें लगती आपने ट्राई किया वैसे इनकी ट्राई बनती है मेरा बनता नहीं मेरा ट्रांसप्लांट है ना तो प्यारे लग रहे हैं असद भाई तो आज माशाल्लाह हाँ लेकिन हाँ। जैसे मेरे भाई हैं ये मेरी बहन है छोटी हाँ। बहन है जरा लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था जरा से जब भी कोई लड़की इधर आती है ना मॉडल आती है कोई एक्टर तो मैं बड़ा उनको मनाने की कोशिश करता हूँ शादी के लिए मानती नहीं कोई तरीका मेरी बहन अगर बता दें तो आप मनाना छोड़ दें आजकल दिया कुड़िया नहीं है ये इंटरनेट कुड़िया गई वो फिर गौर ही नहीं कर दी जिन्हें देर गौर नहीं मगर ये रिवर्स साइकोलॉजी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी मनाना छोड़ दें हार्ड टू गेट है अच्छा अच्छा एटीट्यूड दिखाई ना थोड़ा एटीट्यूड मगर प्ले हार्ड टू गेट के अंदर कुछ तो बिलीवेबिलिटी भी है सर मैं एक कुड़ी ने एटीट्यूड दिखाया सीगा भाईजान उन्होंने तायरे मुंडे ना ब्याह कर लिया जब कोई लड़की आया करे ना बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया करे जैसे इनविजिबल है मैं कप तोड़ दूंगा मैं नहीं करना एपिसोड में चल जा कर मुझे नहीं नहीं पता चल जाएगा ना आपने आपने उनकी तरफ देख के बात ही नहीं करनी बस ठीक आपने लड़के की तरफ देखा लेकिन असल भाई आपने कैसे मनाया शादी के लिए ये बताएं पानी पी जाते लैंडर पै रहे चढ़ जाएगा तुझी तो एंजा दो मिनट बाद पहली ओवर करनी है रख दे पानी का लेकिन वो कैसे मनाया आपने हमारी बहन को ये पता बस मना लिया नहीं 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 ऐसे आपने तो कभी दाढ़ी नहीं मनाई तो लड़की हमें तो बाद में पता चला आपको पंजाबी की समझ आप बताना चाहेंगे मैं नहीं बताऊंगा वो नहीं बताएंगे अम्मी जी मैं नहीं बताऊंगा नहीं बताएंगे वो आप ना बताएं ऐसी अपनी कुड़ी नहीं पूछ रहे नहीं 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 सर आपने उनसे पूछा वो नहीं बताएंगे आपने सिर्फ उनको अदाकारी करते देखा अभी आपने उनको तरले डालते देखा ही नहीं बल बला वो शौक बोर मान तो गया महंगाई में
कुर्बानी का इम्कान तो गया, जो खाले मांगता था काल खींच रहा है, सो खाले मांगने का वो रुझान तो गया, हालांकि डालना है उन्हें गाय में हिस्सा, मंडी को मगर पूरा खानदान।